नमस्कारम, गुरु मंत्रा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रिय मित्रों, संस्कृत साहित्य का तो जो विस्तार है वो इतना विराट है कि उसकी तह तक पहुंचना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपको कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे आपको समझा दिया जाए और पढ़ा दिया जाए। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा है। इस बार अब साहित्य से जुड़ी हुई जो जो भी विधाएं हैं हम एक एक विधाओं पर चर्चा करते चलेंगे और उन विधाओं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं या जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर हम विस्तृत प्रकाश डालते चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। क्या है? संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। तो संस्कृत में गद्य साहित्य कब से प्रारंभ हुआ, इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं और उन रचनाकारों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस बात का प्रकाशन हमारे आज के वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत गद्य साहित्य की। और मित्रों, संस्कृत गद्य साहित्य के प्रारंभ में अगर किसी पहले रचनाकार का नाम आता है तो उनका नाम है सुबंधु। क्या नाम है? सुबंधु है। दूसरे रचनाकार के रूप में जगत प्रसिद्ध गद्यकार बाण भट्ट जी का नंबर आता है। और जो तीसरे रचनाकार गद्य साहित्य के प्रतिष्ठित गद्य साहित्य के साहित्याचार्य हैं वो कौन है? आचार्य दंडी। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत गद्य साहित्य के रचनाकारों का सही क्रम क्या है, तो यही सही क्रम है कि संस्कृत गद्य साहित्य के सर्वप्रथम रचनाकार सुबंधु हैं। सुबंधु के बाद नाम आता है बाण भट्ट जी का और बाण भट्ट के बाद क्रम आता है किसका? दंडी का। तो संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव और विकास के क्रम में सर्वप्रथम उल्लेख सुबंधु का किया जाता है। सुबंधु का समय जो है वो 600 ईस्वी पूर्व है। 600 ईस्वी क्या है? 600 ईस्वी है। इनका ग्रंथ क्या है? तो इनका ग्रंथ है वासव दत्ता। बहुत बार ये प्रश्न आपकी टीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि सुबंधु की रचना का क्या नाम है या वासव दत्ता की रचना किसने किया। तो एक प्रश्न आपका स्पष्ट हो गया कि सुबंधु गद्यकार हैं और सुबंधु की रचना का नाम वासव दत्ता है या वासव दत्ता की रचना किसने किया? सुबंधु ने किया। वासव दत्ता बहुत ही सुंदर कथा है। इसका नायक कंदर्प केतु है। नायक कौन है? कंदर्प केतु है। और इसकी नायिका कौन है? वासव दत्ता। तो वासव दत्ता एक ग्रंथ है जिसकी रचना 600 ईस्वी में या 600 ईस्वी में आविर्भूत होने वाले सुबंधु जी ने किया है। इसका नायक कंदर्प केतु है और इसकी नायिका वासव दत्ता है। इस वासव दत्ता रचना की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न उठता है तो आप ये जान लीजिए कि वासव दत्ता नामक ग्रंथ में सुबंधु जी ने श्लेष अलंकार का, किसका अलंकार का? श्लेष अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है। तो संस्कृत गद्य काव्य के उद्भव और विकास के क्रम में सर्वप्रथम सुबंधु के नाम का उल्लेख किया जाता है। सुबंधु का समय 600 ईस्वी है। इनकी रचना का नाम वासव दत्ता है। इस वासव दत्ता नामक ग्रंथ का नायक कंदर्प केतु है और इस वासव दत्ता नामक ग्रंथ की नायिका
वासवदत्ता है। इस ग्रंथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में श्लेष अलंकार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। अब गद्य साहित्य के विकास के क्रम में दूसरा जो नाम आता है बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट जी के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे दें। बाणभट्ट जी वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न हुए थे। कौन गोत्र था इनका? वात्स्यायन गोत्र था। और इनके एक पूर्वज हुआ करते थे, बहुत ही विद्वान थे। और इनके पूर्वजों में सबसे प्रमुख नाम किसी का आता है तो वो नाम है किसका? कुबेर का। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बाणभट्ट जी के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु था। और इनका समय क्या है? तो बाणभट्ट जी का समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। इनके ये जीवन के बारे में इनकी ही एक रचना हर्षचरितम है, और हर्षचरितम के पूर्वार्ध में यानी हर्षचरितम ग्रंथ जहाँ से प्रारंभ होता है तो उसमें बाणभट्ट जी का जो जीवन परिचय हमें प्राप्त होता है उसकी महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से समझिएगा। संस्कृत गद्य साहित्य के द्वितीय क्रम के रचनाकार यानी दूसरे नंबर पे आने वाले बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट जी का जन्म वात्स्यायन गोत्र में हुआ था। इनके पूर्वज का नाम कुबेर था। इनके पिताजी का नाम चित्रभानु था। बाणभट्ट जी का समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। और इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचना है हर्षचरितम, जिसमें इनके जीवन का वृत्तांत प्राप्त होता है। दूसरी रचना है इनकी कादंबरी, जो जगत प्रसिद्ध रचना है संस्कृत गद्य काव्य की, आप सर्वोत्कृष्ट रचना इसे कह सकते हैं। और तीसरी रचना, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि मुकुट ताडिकम या मुकुट ताडिक किसकी रचना है, तो ये जो मुकुट ताडिक रचना है ये किसकी है? बाणभट्ट जी की है। तो बाणभट्ट जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? हर्षचरितम है, कादंबरी है और मुकुट ताडिकम है। वात्स्यायन गोत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज का नाम कुबेर था। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अब तीसरे क्रम में जो रचनाकार आते हैं उनका नाम है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जी काव्य शास्त्र के बहुत ही प्रबल और सशक्त हस्ताक्षर स्वीकार किए जाते हैं। आचार्य दंडी के पिता का नाम वीर दत्त था। क्या था? आचार्य दंडी के पिता का नाम वीर दत्त था। आचार्य दंडी की माता का नाम गौरी था। आचार्य दंडी किस वंश के थे? तो संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में गिना जाने वाला जो ग्रंथ किरातार्जुनीयम है उसके रचनाकार जो भारवी हैं, तो भारव के वंश में ही किसका आविर्भाव हुआ था? आचार्य दंडी का। तो दंडी के पूर्वज कौन थे? भारवी जी थे। दंडी का समय क्या माना जाता है? आचार्य दंडी जी का समय 7वीं शती का उत्तरार्ध यानी 7वीं शती का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और तीन विशिष्ट रचनाएं भी इसे कह सकते हैं। तो पहली रचना है इनकी काव्यादर्श, और काव्यादर्श में इन्होंने काव्य शास्त्र के विषयों का विस्तृत विवेचन किया है। दूसरी इनकी जो रचना है वो रचना है दस कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों के चरित्र की व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है। और तीसरी रचना इनकी आती है, उस रचना का नाम है अवंति सुंदरी कथा। तो दंडी के बारे में फिर से एक बार आप सुनिएगा। आचार्य दंडी जी हुए तीसरे क्रम के गद्य साहित्याकार। दंडी जी के पिता का नाम वीरदत्त था। आचार्य दंडी की माता का नाम गौरी था। इनके पूर्वज भारवी जी थे। इनका समय 7वीं शती का अंतिम या 8वीं शती का पहला हिस्सा माना जा सकता है। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं काव्यादर्श,
दस कुमार चरितम और अवंति सुंदरी कथा। अब ये जो तीन चीज़ें हैं तीनों क्रम से हैं और रचनाकारों की जानकारी तथा उनके बारे में जो उनकी रचनाएं हैं उनकी जानकारी ये मैंने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम जो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा करते चलेंगे और जिन रचनाओं से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी हम आपको बताते चलेंगे। तो संस्कृत गद्य काव्य का उद्भव और विकास ये बिंदु है। इस पर सबसे पहले रचनाकार सुबंधु जी हैं, दूसरे क्रम के रचनाकार बाणभट्ट हैं, तीसरे क्रम के रचनाकार दंडी हैं। दंडी की तीन रचनाएं काव्यादर्श, दस कुमार चरितम और अवंति सुंदरी कथा है। बाणभट्ट की तीन प्रमुख रचनाएं हर्षचरितम, कादंबरी और मुकुटताटिक है और सुबंधु जी की रचना वासव दत्ता है। ठीक है, तो इसका आप हमें पूरा अनुमान है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे की ओर चलेंगे और संस्कृत के गद्य साहित्य में कौन प्रमुख रचना है और कौन से रचनाकार हैं उनका भी विवेचन करते चलते हैं। तो चलिए अगले जो आपके रचनाकार हैं और गद्य साहित्य में जिनका आधुनिक गद्य साहित्य आप कह सकते हैं, तो आधुनिक गद्य साहित्य में एक और नाम आता है और वो नाम है आपका अंबिका दत्त व्यास का। किसका नाम आता है? अंबिका दत्त व्यास जी का नाम आता है। तो चौथे क्रम में आप नोट कर लीजिए, अंबिका दत्त व्यास। क्या नोट करेंगे आप? अंबिका दत्त व्यास जी हैं और अंबिका दत्त व्यास जी की बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम है शिवराज विजयम। क्या है? इस रचना का नाम है शिवराज विजयम। यहाँ शिवराज शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है तो यहाँ पर शिवराज का तात्पर्य शिवाजी से है। शिवराज का मतलब क्या है? शिवाजी। ठीक है ना बेटा? तो ये शिवराज विजयम क्या है? यह एक उपन्यास ग्रंथ है और यह 12 भागों में बांटा गया है। तो ये क्या है? उपन्यास ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? यह संस्कृत साहित्य का उपन्यास ग्रंथ है। और इसका समय क्या है? तो इसका समय है 600 ईस्वी। क्या है? इसका समय आपका 600 ईस्वी माना जाता है। इसके नायक शिवाजी हैं और इसे 12 भागों में बांटा गया। तो इसमें निःश्वास कितना है? इसमें आपका निःश्वास क्या है? 12। कभी कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने निःश्वास हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें 12 निःश्वास हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिवाजी के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शिवाजी के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शिवाजी के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? अब इस रचना में जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में हम आपको बता दें, तो शिवाजी अफजल खान गौर सिंह जो पात्र हैं उनको देखिएगा, इसमें हैं शिवाजी, दूसरे हैं अफजल खान, अफजल खान, और इसमें हैं गौर सिंह, और है इसमें श्याम वटू। कौन है? श्याम वटू हैं। और इसमें एक पात्र हैं योगीराज और एक पात्र हैं ब्रह्मचारी। ठीक है ना? तो संस्कृत गद्य साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना हुई शिवराज विजयम। शिवराज विजयम की रचना किसने किया? अंबिका दत्त व्यास ने किया।
शिवराज का तात्पर्य क्या है, शिवराज का मतलब यहाँ वीर शिवाजी से है, यह कैसा ग्रंथ है, तो यह एक उपन्यास ग्रंथ है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका क्या, शिवराज विजयम। इसे कितने भागों में बांटा गया, तो इसे 12 भागों में बांटा गया है। और इसके भागों को क्या कहा गया, निःश्वास कहा गया। क्या कहा गया, निःश्वास कहा गया। इसमें किसका वर्णन है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें शिवाजी के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख पात्र हैं शिवाजी, दूसरा प्रमुख पात्र है अफजल खान, तीसरा प्रमुख पात्र है गौर सिंह, चौथा प्रमुख पात्र है श्याम बटू, पांचवा प्रमुख पात्र है योगीराज, और छठवां प्रमुख पात्र है ब्रह्मचारी। ठीक है ना। तो शिवराज विजयम ग्रंथ में शिवाजी की वीरता का वर्णन है। शिवाजी जब अपने युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाया करते थे, तो उस समय उनके बहुत सारे गुप्तचर यत्र तत्र बहुत सारे वेश को धारण करके राज्य की स्थिति के बारे में उन्हें बताया करते थे। एक बार अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारना चाहा था, जिसमें शिवाजी के गुप्तचरों ने अहम भूमिका निभाई और शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया। तो इसी कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें गौर बटू और श्याम बटू दो शिष्य रहते हैं ब्रह्मचारी गुरु के, और एक योगीराज रहते हैं। तो योगीराज ने सबसे पहले युधिष्ठिर जी के राज्यकाल में समाधि लगाया था। उसके बाद जब उनकी पहली बार समाधि टूटी, तो फिर उन्होंने विक्रम के समय में अपनी समाधि लगाई, और जब फिर उनकी समाधि टूटी तो औरंगजेब का शासनकाल था। तो यहाँ पर पूर्व के समय में राज्य की क्या स्थिति थी, भारत की सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है, और वर्तमान समय में यानी मुगल साम्राज्य के समय भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी, और शिवाजी ने उन संपूर्ण परिस्थितियों का सामना किस चतुराई के साथ किया, इन्हीं सारी बातों का विस्तृत विवेचन जो ग्रंथ करता है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, शिवराज विजयम है। शिवराज विजयम की रचना अंबिका दत्त व्यास जी ने किया। शिवराज का तात्पर्य यहाँ शिवाजी से है। इसमें शिवाजी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। यह एक उपन्यास ग्रंथ है और संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास ग्रंथ है। इसे 12 भागों में बांटा गया है और इसके भागों को निःश्वास कहा जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रिय मित्रों, एक एक ग्रंथ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, उन ग्रंथों की चर्चा हम करते चलते हैं। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहला ग्रंथ आता है आपका हर्षचरितम। क्या ग्रंथ आता है, हर्षचरितम पहले ग्रंथ के रूप में हम लिखते हैं, जहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है। तो कादंबरी से तो बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, लेकिन साहित्य में परिवर्तन होता रहता है प्रश्नों के क्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे किस ग्रंथ की, उस ग्रंथ का नाम होगा आपका क्या, हर्षचरितम। और आप जानते हैं कि ये कैसा ग्रंथ है, तो ये एक ऐसा ग्रंथ है कि ये है आख्यायिका। कैसा ग्रंथ है, ये आख्यायिका है, और दूसरी बात कैसा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है बेटा ये, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, हर्षचरितम एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे 8 भागों में बांटा गया है और इसके भागों को क्या कहा गया, उच्छ्वास कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इसके भागों को उच्छ्वास कहा जाता है। और इसे कितने उच्छ्वासों में बांटा गया है,
तो इसे 8 उच्छ्वासों में बांटा गया है, इसमें किसका वर्णन है? तो आप पूरी तरह से इसे कह सकते हैं कि हर्ष के चरित्र का, हर्ष चरित्र का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? तो हमारे इतिहास का जो प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन है, उसी हर्ष के चरित्र का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में? हर्ष चरितम ग्रंथ में, ठीक है ना। अब हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और इनकी माँ का नाम महिषी यशोमती था, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, आप नोट करते चल सकते हैं बेटा, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना, और महिषी यशोमती जी थी। हर्ष चरितम में इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था, ठीक है ना, और इनकी बहन जो थी उसका नाम था राज्यश्री। किसका वर्णन है? राज्यश्री नाम की इनकी एक बहन थी, उसका वर्णन है। तो हर्ष के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था, हर्ष की बहन का नाम राज्यश्री था, हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन की माता का नाम महिषी यशोमती था। ये सारी बातों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? हर्ष चरितम ग्रंथ में किया गया है, ठीक है ना। तो हर्ष चरितम ग्रंथ में शुरू के 3 उच्छ्वासों में बाण भट्ट और हर्ष जी के जीवन चरित्रों का वर्णन है। उसके बाद हर्ष के भाई राज्यवर्धन का राज्याभिषेक होता है और एक युद्ध के षड्यंत्र में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक बनाया जाता है और वह अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रस्थान करता है। उसी बीच में हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उस राज्यश्री का अपहरण हो जाता है और राज्यश्री अपने आप को शत्रुओं के पास नज ले जाने के कारण जंगल में चली जाती है। जंगल में जाकर के वह आत्महत्या का प्रयास करती है कि उसी समय खोजते हुए हर्षवर्धन वहां पर पहुंचता है। हर्षवर्धन और राज्यश्री का मिलन होता है और यहीं पर हर्ष चरित की कथा पूर्ण हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि हर्ष चरितम में हमने कितनी बात बताया, महाराज हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन की माता का नाम महिषी यशोमती था, हर्षवर्धन की बहन का नाम राज्यश्री था। हर्ष चरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण भट्ट और हर्ष के जन्म इत्यादि की कथा का वर्णन किया गया है। हर्ष चरितम एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसे आख्यायिका भी कहा जाता है, इसे 8 भागों में बांटा गया है और इसके प्रत्येक भाग को क्या कहा गया? उच्छ्वास कहा गया। इस प्रकार हर्ष चरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास है। तो मित्रों, ये कथा और परिचय रहा हर्ष चरितम का, और दूसरा ग्रंथ है कादंबरी, जिसकी चर्चा हम आगे करते चलते हैं। तो कादंबरी किसकी रचना है ये आप हमें लिख करके भेजिए, तब तक हम उसे लिखते रहते हैं। तो आप हमें ये लिख के भेजेंगे कि कादंबरी किसकी रचना है, भी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था आपको कादंबरी किसकी रचना है, इसको बताइएगा। तो कादंबरी जो रचना है, इसकी महत्वपूर्ण बातें हम बता देते हैं आपको। कादंबरी में 2 खंड हैं, हमने कादंबरी ग्रंथ यहां पर लिख दिया, ये हो गया आपका कादंबरी। कादंबरी ग्रंथ, कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। क्या अर्थ होता है? कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। और कादंबरी को 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग को कहा गया पूर्वार्ध
और दूसरे भाग को क्या कहा गया? उत्तरार्ध। ठीक है ना। कादंबरी को दो भागों में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा और कादंबरी के रचनाकार कौन हुए? बाण भट्ट। कौन रचनाकार हुए इसके? इसके रचनाकार हुए बाण भट्ट जी। ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कादंबरी की शैली क्या है, तो इस रचना की शैली बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इसका जवाब होगा आपका क्या? पांचाली। कौन सी शैली है इस रचना यानी कादंबरी की शैली क्या है? पांचाली है। और अधिकतर यह भी कहा जाता है कि बाण भट्ट जी ने अपनी रचनाओं में पांचाली शैली का बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। कभी कभी बेटा यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कादंबरी का प्रमुख रस क्या है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो प्रमुख रस है क्या है? प्रमुख रस है वो क्या रस है? वो आपका रस है श्रृंगार। कौन रस है? श्रृंगार रस में यह कादंबरी ग्रंथ रचित है। कभी कभी एक प्रश्न यहाँ से और बनता है बेटा कि कादंबरी ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है, तो इसका आधार ग्रंथ है बृहत कथा। कादंबरी का आधार ग्रंथ अगर पूछा जाए तो इसका जवाब आपका क्या होगा? इसका जवाब होगा आपका बृहत कथा। ठीक है ना। क्योंकि कादंबरी भी क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि कादंबरी भी एक कथा है और इस कादंबरी कथा का जो आधार ग्रंथ है, जो प्रेरणा स्रोत है, वो क्या है? बृहत कथा है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अच्छा, इसका कभी कभी समय भी पूछता है, तो बेटा इसका समय लिख लीजिएगा। इसका समय लिखेंगे आप सातवीं शताब्दी। क्या लिखेंगे? इसका समय है सातवीं शताब्दी। बात समझ में आया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसका नायक कौन है और इसकी नायिका कौन है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका नायक है कौन? चंद्रापीड। क्या है? इसका नायक जो है वो चंद्रापीड है और इसकी जो नायिका है वो कौन है? कादंबरी। कौन है? तो इसकी नायिका है कादंबरी। बात समझ में आया। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, यहां भी पूछा जाता है। और एक बार पूछा गया था कि पत्र लेखा किस रचना का पात्र है, तो पत्र लेखा जो है वो किस रचना का पात्र है? कादंबरी का है। इसमें आता है पत्र लेखा। इसमें एक और बहुत फेमस नाम है और वो नाम है कौन कन्या? चांडाल कन्या। किसका वर्णन आता है? चांडाल कन्या का वर्णन आता है। और अगला प्रमुख पात्र कौन सा है, तो अगला पात्र है वैशंपायन शुक। कौन पात्र है अगला? अगर आपसे पूछा जाए कि वैशंपायन शुक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो वहां पर आप क्या बताएंगे? आपका उत्तर होगा कादंबरी। इसके अलावा महाश्वेता और कपिंजला, ये दो और नाम आते हैं, तो एक और नाम आ गया आपका महाश्वेता और दूसरा नाम आ गया आपका क्या? कपिंजला। क्या नाम आ गया बेटा? कपिंजला। तो महाश्वेता और कपिंजला का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका जवाब आपका क्या है? कादंबरी के जो अन्य पात्र हैं उनका उल्लेख देखिएगा कि महाश्वेता, पत्रलेखा, चांडाल कन्या, वैशंपायन शुक और कपिंजला, ये सब भी किस ग्रंथ के पात्र हैं, तो उसका आपका उत्तर होगा कादंबरी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चांडाल कन्या का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है,
तो अब आप जान चुके हैं कि चांडाल कन्या का उल्लेख कादंबरी ग्रंथ में किया गया है। महाश्वेता वृत्तांत कहाँ प्राप्त होता है? तो महाश्वेता वृत्तांत कादंबरी में प्राप्त होता है। वैशंपायन नामक सुख का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो वैशंपायन नामक सुख का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादंबरी में। अगला प्रश्न आता है आपका कि कपिंजला नामक पात्र का वर्णन किस ग्रंथ में है, या अन्य इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो उसका उत्तर भी आपका क्या होगा? कादंबरी होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा बेटा कि संस्कृत गद्य काव्य की सबसे उत्कृष्ट रचना कादंबरी मानी जाती है। कादंबरी का अर्थ मदिरा होता है। कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने किया। कादंबरी में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादंबरी की विधा क्या है? तो कादंबरी की विधा है कथा। किस विधा की रचना है? कथार है। कादंबरी की शैली क्या है? तो पांचाली है। इसमें प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसका आधार ग्रंथ क्या है, यानी किस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई है? तो इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ बृहत कथा है। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 7वीं शताब्दी। इसका नायक कौन है? तो नायक है चंद्रापीड। और इसकी नायिका कौन है? तो नायिका इसकी होती है कादंबरी। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में, नोट कर लीजिएगा बेटा इस बात को, कि इस ग्रंथ में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो आप लिखेंगे कि 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कथा का वर्णन है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? तो इसका उत्तर अगले बिंदु में हम लिख देते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि पुंडरीक, किसका? पुंडरीक और चंद्रापीड। क्या है बेटा? पुंडरीक और चंद्रापीड, पुंडरीक और चंद्रापीड के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। पहली बात यह है कि इस ग्रंथ में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। बोले किसके 3 ग्रंथों के 3 जन्मों का वर्णन है? तो आपका उत्तर होगा पुंडरीक और चंद्रापीड। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इन चीजों को मैं मिटा देता हूँ। मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो जो इस ग्रंथ का मुख्य नायक है चंद्रापीड, उससे जुड़ी हुई एक दो बातें और कर लेते हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कादंबरी ग्रंथ में, ठीक है ना? तो कादंबरी का जो प्रारंभ है उसे कहा गया कादंबरी कथा मुख। क्या कहा गया? इसे कहा गया कादंबरी कथा मुख। एक बात और जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कि शाल्मली वृक्ष का वर्णन, शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ है? कादंबरी में है। किस, कहाँ वर्णन मिलता है शाल्मली वृक्ष का? कादंबरी की शुरुआत जहाँ से होती है उसे कादंबरी का कथा मुख कहा जाता है। और शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ है? तो इसका उत्तर भी होगा आपका क्या? कादंबरी कथा मुखम, ठीक है ना? और यहीं पर शबर सेनापति का वर्णन है। किसका वर्णन है? शबर सेनापति का वर्णन है। बस समझ में आया? यहीं पर किसका वर्णन और प्राप्त होता है? शबर सेनापति का वर्णन प्राप्त होता है। और इसी कादंबरी ग्रंथ से एक नया ग्रंथ निकला है, उसका नाम है सुकनासोपदेश। क्या नाम है बेटा? सुकनासोपदेश, यानी सुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश।
तो कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि सुकनासोपदेश कृष ग्रंथ का भाग है, या ऐसा पूछा गया कि सुकनासोपदेश में किसकी कथा का वर्णन है, या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सुकनासोपदेश ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया है, या इसकी घटना किस ग्रंथ से प्रभावित है। इस तरह के कई प्रश्न सुकनासोपदेश से बनते हैं। तो आप ये जान लीजिएगा कि सुकनासोपदेश कादंबरी कथा का ही एक भाग है। क्या है? कादंबरी कथा का ही एक भाग है। इसका जो नायक चंद्रापीड है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका नायक कौन है? चंद्रापीड है, ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रापीड का जो पिता है उसका नाम था तारापीड। क्या नाम था? चंद्रापीड के पिता का क्या नाम था? तारापीड था। और चंद्रापीड का यानी तारापीड का जो मंत्री था उसका नाम था शुकनास। क्या नाम था? शुकनास था, ध्यान दीजिएगा। चंद्रापीड के पिता का नाम तारापीड था और तारापीड के मंत्री का क्या नाम था? शुकनास था। तो जब चंद्रापीड का राज्याभिषेक होने लगा, ध्यान से समझिएगा बेटा कि चंद्रापीड के पिता का नाम तारापीड था, तारापीड के महामंत्री का नाम शुकनास था। शुकनास बहुत बड़े शिक्षाविद और विद्वान थे। जब तारापीड जी ने चंद्रापीड का राज्याभिषेक करना चाहा, तो राज्याभिषेक के पहले जो तारापीठ के महामंत्री सुकनास जी ने थे, सुकनास जी ने चंद्रापीठ को बहुत सारा उपदेश दिया कि राजा का कर्तव्य क्या है और उसे अपने शासनकाल में किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। इन बातों का उपदेश सुकनास जी ने जो दिया, उसी उपदेश को क्या कहा गया? सुकनासोपदेश कहा गया। क्या कहा गया बेटा? सुकनासोपदेश कहा गया। और यहाँ पर एक ऋषि का नाम आता है, उसको भी आप जान लीजिएगा, हारित ऋषि। कौन ऋषि थे? हारित और चंद्रमा का वर्णन किस ग्रंथ में है, हमने ये भी देखा था, आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो हारित और चंद्रमा का वर्णन भी कहाँ किया गया है? तो हारित और चंद्रमा का वर्णन भी कादंबरी नामक ग्रंथ में किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, कादंबरी की शुरुआत जो होती है उसे क्या कहा गया? कादंबरी कथा मुख कहा गया। कथा का मुख यानी जो कथा शुरुआत होने की जो पृष्ठभूमि है, भूमिका है, उसे कहा गया कादंबरी कथा मुख कहा गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया। तो आप ये जान गए कि सालमली वृक्ष का वर्णन कादंबरी में किया गया है। इसमें एक और पूछता है कि सबर सेनापति का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो सबर सेनापति का भी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कादंबरी में मिलता है। कादंबरी का ही एक खंड है, एक भाग है, उसे क्या कहा गया? सुकनासोपदेश कहा गया। तो सुकनास कौन थे? तारापीड के महामंत्री का नाम सुकनास था और चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय सुकनास ने उन्हें राज्य क्रियाकलापों को सम्यक रूपेण संपादित करने के लिए जो उपदेश दिया, उसी को कहा गया सुकनासोपदेश कहा गया। और दो ऋषियों का नाम महत्वपूर्ण आता है, हारित और चंद्रमा। तो हारित और चंद्रमा ऋषियों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? कादंबरी में किया गया। ये रही बेटा कादंबरी ग्रंथ से उठने वाले सारे प्रश्नों की विवेचना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अभी इसमें कुछ शेष रह गया है, दस कुमार चरितम इत्यादि के बारे में जानकारी देना। आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, तो आप सब हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे। इस तरह से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे की कड़ी में संस्कृत गद्य साहित्य की और जो रचनाएं हैं उनका विस्तृत विवेचन, फिर संस्कृत का नाट्य साहित्य, फिर संस्कृत का महाकाव्य, यानी एक एक बिंदु में साहित्य में जितनी चीजें चाहिए वो सारे प्रमुख प्रश्न और प्रमुख ग्रंथों का विस्तृत व्याख्यान हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी या नेट की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी हमारी वीडियो बहुत ही लाभदायक और उनकी उपयोगिता में सहायक बनेंगे। ये अपेक्षा हम आप लोगों से रखते हैं कि आप सब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के पास भेजेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे। आप सब गुरु मंत्रा एकेडमी के साथ जुड़े रहे इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार।